वेलकम टू आर चैनल। आज हम मेगा एनालिसिस करने वाले हैं फेज वन और फेज टू का। फेज वन और फेज टू जो है खत्म हो चुका है, तो आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट्स हैं, इसमें जितने भी स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले हैं, जैसे फेज थ्री, फेज फोर, फेज फाइव, फेज सिक्स, फेज सेवन तक जो है यहाँ पे एग्जाम चलने वाला है, तो इन स्टूडेंट्स को थोड़ा हिंट मिल सके कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि एग्जाम में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसी वजह से जो है फेज वन और फेज टू में जितने सारे शिफ्ट्स हैं और इन सारे शिफ्ट्स पे जो भी हमें क्वेश्चंस मिले हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो टफ क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट को याद नहीं रहते, एग्जाम में और से भी थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, इसी वजह से जो है खास करके इजी क्वेश्चंस जो है ये याद रहते हैं। इसी वजह से जो है ये मत सोच लेना कि इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन में जो है कुछ शिफ्ट्स में है जो है ये देखा गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले फेज टू का जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर फेज वन का डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि कम से कम टाइम में जो है उनको अच्छा से प्रिपेयर करके जो एग्जाम के लिए जाना है। इस वजह से हमने क्या किया, पहले भी ये बात हमने बताया था, अभी भी बता रहे हैं कि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इससे पहले 2018 से लेकर 2022 तक रेलवे लगातार एग्जाम जो है लेते आया है। 2018 से सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू आपके लिए बनाया है। यहां से काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो 70-75% क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां से डायरेक्टली बन रहा है। इसी वजह से जो है अगर कम से कम टाइम में आपको जनरल साइंस का अगर ओवरलुक करके जाना है, किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा सेक्शन छूट गया है, इन सारे को जो है डिटेल में अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो 40 जो है रुपीज का ये बुकलेट हमने लॉन्च किया है। सारे पेपर को एनालिसिस किया है, रेलवे इसी तरह क्वेश्चन बार बार पूछता है, अभी भी यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी भी इसी तरह के क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जा रहा है। तो एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, कम से कम टाइम में अगर आपको अच्छा से जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करना है, दोनों ही बुकलेट हमने बना दिया है। सारे जो है शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, ग्रुप डी से स्टार्ट हुआ था, एएलपी टेक्नीशियन हुआ, जेई हुआ, उसके बाद जो है एनटीपीसी हुआ, तो रेलवे का जो लेवल है ये चेंज नहीं होता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन का हो, सारे पेपर्स को एनालिसिस करके बनाया गया है और इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पूछता आया है उसी तरह क्वेश्चन जो है आगे भी पूछता रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है इस बुकलेट को आप ले सकते हैं, अगर कम से कम टाइम में आपको जनरल साइंस अच्छा से प्रिपेयर करके जाना है। कंपटीशन ऑलरेडी कम हो चुका है, 60% स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हैं, 40% यहाँ पे जा नहीं रहे, तो इस समय जो है बेस्ट सिचुएशन है आपके लिए। अच्छा से जो है बुकलेट्स को देख लें, अच्छा से सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें, थोड़ा सा सैंपल भी दिखा देंगे कि बुकलेट कैसा जो है डिजाइन किया गया है। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, उसके बाद 40 रुपीज आपको पे कर देना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रोसेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जनरल साइंस का जो बुकलेट है ये 40 रुपीज में अवेलेबल है, 1000 बेस्ट क्वेश्चन कवर अप किया है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद, रेलवे ने जितने भी पेपर्स अभी तक जो है कराया है 2018 से इसको बनाया है। उसके अलावा जो है जनरल अवेयरनेस का भी बना दिया, जनरल अवेयरनेस से आपको पता है कि 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पूछे जाने वाले हैं, ये 25 रुपीज में अवेलेबल है, कम रुपीज में जो है अवेलेबल है, क्योंकि जनरल साइंस का जो बुकलेट है सारे पेपर्स को एनालिसिस करके बनाने में इसमें 4 महीने लगे और जनरल अवेयरनेस में 2 महीने लगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, बेस्ट क्वेश्चन को हमने लिया, जिस तरह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। तो कम से कम टाइम में अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो इन दोनों बुकलेट्स को ले लें। ये 2000 क्वेश्चन जब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, कम से कम टाइम में जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लगभग जो है 1 सप्ताह के अंदर सारे पेपर आप अच्छे से कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि हाँ इस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साथ में हम जो है एनालिसिस भी कर रहे हैं फेज वन और फेज टू का, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। दोनों बुकलेट को आप बिल्कुल ले सकते हैं, ये 40 रुपीज में अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ये 25 रुपीज में अवेलेबल है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेने का प्रोसेस सेम है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है और जैसे आप 25 रुपीज पे कर देते हैं उसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस का ये बुकलेट आपके मेल आईडी में भेज दिया जाता है जहां से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। बेटर ऑप्शन ये है, दोनों को अलग अलग खरीदने से बेहतर है कि एक ही बुकलेट ले लें, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 60 रुपीज में दोनों मिल जाएगा। और 2000 क्वेश्चन जब आप पढ़ के जाएंगे ना इन सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पहले ऑर्गेनाइज कर चुका है, जिस तरह क्वेश्चन पूछ चुका है, उसी तरह का जो क्वेश्चन अभी भी फ्रेम किए जा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा से प्रिपेयर करके जाए, जो आपने पढ़ा है इतने साल से पढ़ा है, साथ में जो है फाइनल टच देने के लिए इनको जो है इन बुकलेट्स को आप ले सकते हैं। तो 60 रुपीज में दोनों का आप ले सकते हैं, कॉम्बो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसमें जाके ये बुकलेट को बिल्कुल ले लें और कम से कम टाइम में अच्छा से आप प्रिपेयर जरूर करके जाए, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है, सिर्फ बुकलेट से जो है 70-75% क्वेश्चन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन 25-30% जो मेहनत ये आपका है। कोई भी बुकलेट ले ले, चाहे 1000 रुपये का भी ले लेना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेहनत तो आपका लगेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट होता ही है, तो मेहनत भी आपको करना है। अगर आपने इतने सालों से मेहनत करते आए हैं, आप अगर बुकलेट को भी ले लेते हैं कम से कम टाइम में, अच्छा से रिवीजन भी आपका
हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सैंपल दिखा देते किस तरह डिजाइन किया गया। तो इस तरह क्वेश्चन और आंसर जो है मार्क कर दिया गया, ये जनरल साइंस का जो है कुछ क्वेश्चंस को हमने लिया है ताकि आपको जो है पता चले कि किस तरह जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। तो क्वेश्चन आंसर जो है जिस तरह का रेलवे क्वेश्चन पूछता है सारे क्वेश्चन को जो है हमने अच्छा से यहाँ पे अरेंज आपके लिए कर दिया है, जो बार बार रिपीट होते हैं, जो यूनिक क्वेश्चन है। तो ये जो है बुकलेट बिल्कुल ले लेना कम से कम टाइम में, अगर आपको एग्जाम में अच्छा से परफॉर्म करना है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है लेकिन फाइनल टेस्ट देना जरूरी है, इसलिए जो है बुकलेट जरूर ले लेना, ठीक है। अगर आपको फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6, फेज 7 में एग्जाम होने वाला है तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हिच इंडियन स्टेट बिकम फर्स्ट पेपरलेस असेंबली। तो पहला इंडियन स्टेट जो है जो पेपरलेस असेंबली रिसेंटली बना है, ये क्वेश्चन बना था। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कौन सा बुकलेट लेना है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में कवर अप किया है। तो नागालैंड स्टेट जो है ये पहला जो है पेपरलेस असेंबली बना है, इसे करंट अफेयर में हमने कवर अप किया है। स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो कि बेसिकली प्रोवाइड करता है एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये भी जनरल अवेयरनेस में हमने कवर अप किया था, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो है फोर्थ स्केड्यूल में मेंशन है। आर्टिकल 21A में जो है ये पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप। तो कौन सा एज ग्रुप में पूछा गया था, तो ये था 6 to 14 years, इस एज ग्रुप के जो बेसिकली बच्चे हैं इन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 21A। उसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया था न्यूलैंड लॉ से, ये तो हमने पहले भी बताया था। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का जब आप बुकलेट देखेंगे तो न्यूलैंड से कम आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं प्रीवियसली उन सबको आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा गया था जो बेरिलियम का प्रॉपर्टी है वो किससे जो है ये सिमिलर है, रिजेंबल करता है, तो ये मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी से रिजेंबल करता है। पावर ऑफ लेंस ए फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछा गया पावर ऑफ लेंस क्या है, पहले ये ध्यान रखना कि ये फेज वन के नहीं है, फेज टू के पहले हमने जो है क्वेश्चन को डिस्कस किया है यहाँ पे, उसके बाद फेज वन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस जो है ये बेसिकली पूछा गया फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो पावर ऑफ लेंस बेसिकली क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है मीटर में होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बस आपको चेंज कर देना है, सिमिलर न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी कवर अप कर रखा है, ठीक है, इसी तरह का न्यूमेरिकल यही वैल्यू का जो है वैल्यू भी वहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया गया है अगर आप देखें। तो ये क्या हो जाएगा अगर हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए ये हम यहाँ पे अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 25/100 ये हो जाएगा। तो उसके बाद जो है 100 ऊपर चला जाएगा और 25 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 आएगा, तो 4 डायोप्टर जो है इसका सही जवाब है। ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाइम्स, ये जो है क्वेश्चन बना है, तो ये जो है 1024 जो है ये बेसिकली इतने हाइम्स जो है ऋग्वेदा में प्रेजेंट है। आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो आर्टिकल 16 जो है किससे रिलेटेड है, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इससे ये रिलेटेड है। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ पे है ये पूछा गया, ये मध्य प्रदेश में है, ये क्वेश्चन बना था ऑलरेडी। ये सारे हमने जो है क्वेश्चन ऑलरेडी अगर आप देखें तो जनरल अवेयरनेस के बुकलेट में कवर अप कर रखा है। रूरल ओलंपिक गेम्स जो है ये कौन से स्टेट में रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो ये जो है राजस्थान में स्टार्ट हुआ है। इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी जो है ये कहाँ पे सेटअप किया गया, ये लखनऊ में सेटअप किया गया। फेज वन में भी ये क्वेश्चन बना था, फेज टू में भी इस तरह क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फूड चेन, तो फूड चेन के रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था, ऑप्शन यहाँ पे पता नहीं है लेकिन फूड चेन को अच्छे से पढ़ के जाना, फूड वेब को अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच गैस इज इवॉल्व, ये क्वेश्चन भी हमने कवर अप किया था। तो ब्लीचिंग पाउडर जब इसे रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से इवॉल्व होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेसिकली ये पूछा गया था, तो ये जो है ये मैसूर में जो है ये प्रेजेंट है बेसिकली, जो कि कर्नाटका में है। एज पर आर्टिकल 24 नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स सेल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो इसका जो सही आंसर है ये है 14 ईयर्स। 14 ईयर्स के नीचे जो भी बच्चे हैं इन्हें जो है फैक्ट्री या माइंस में या फिर कोई हैजर्डियस प्लेस में जो है काम नहीं दिया जा सकता है। इसरो लॉन्च हुई सैटेलाइट रिसेंटली, ये जो है पूछा गया था, ये भी फेज वन में रिपीट हुआ है, तो यस EOS-04 जो है ये बेसिकली ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। यहाँ पे लॉन्च व्हीकल किया था ये जरूर देख के जाना, लॉन्च व्हीकल से आगे चल के आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है। पाइरूवेट जो है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन भी हमने जनरल साइंस के जो है बुकलेट में कवर अप किया था। तो ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज बेसिकली जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं इससे जो है ये प्रोड्यूस होता है। फ्री ट्रेड क्लॉज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछा गया, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़ना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज ऑफ एटॉमिक साइज जो है ये क्या होता है, तो ये बेसिकली रिड्यूस होता है या फिर डिक्रीज होता है। देखिए प्रेडिक्टेबल से क्वेश्चन जरूर बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो है अपने बुकलेट में भी कवर अप किया, ये क्वेश्चन भी खासकर हमने कवर अप किया है, तो जरूर ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ऑप्शन नहीं पता था, लेकिन कॉमन जो डिजीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं ये HIV AIDS है, इसके अलावा जो है साइफिल्स है और
गोनोरिया है ये कॉमन जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। उसके बाद एक जो है इस तरह का केमिकल फॉर्मूला दिया गया था। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन लेंस से पूछा जा रहा है, लेंस के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछा जा रहा है, कुछ डायग्राम से क्वेश्चन बन रहे हैं और कुछ जो है इस तरह केमिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है इनको भी जरूर आपको देख के जाना है, लेंस से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, तो लेंस का न्यूमेरिकल अच्छा से आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो इससे पूछा गया था अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली फॉर्म होता है। विच इंडियन स्टेट बिकम फर्स्ट पेपरलेस असेंबली, तो ये हमने कवर अप कर दिया है, शायद यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ये रिपीट हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन प्रेडिक्टेबल जो है ये पूछा गया है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा, ये फ्लोरीन है। ये सब ऑलरेडी कवर अप किया गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लग सकता है क्योंकि बच्चों को जो है ये आसान क्वेश्चन याद रहते हैं, इस वजह से जो है थोड़ा आसान लग सकता है। उसके बाद पूछा गया था मजुली जो बेसिकली रिवर आइलैंड जो है कौन से नदी के ऊपर में जो है या कौन से नदी के ऊपर में लोकेटेड है, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार जो है रेलवे में ये रिपीट हुआ है। थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, तो ये है मराठी, फर्स्ट जो है ये ऑब्वियसली हिंदी है, सेकंड बंगाली है, उसके बाद थर्ड में अगर हम देखें तो मराठी है। तो वर्ल्ड में भी पूछा गया था, वर्ल्ड में ये ऐसा क्वेश्चन फेज वन में शायद बना था कि हिंदी जो है ये कौन से नंबर में आता है, इस तरह क्वेश्चन एक बना था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब फेज वन का क्वेश्चन आगे आएगा। वेल वाज एस्टेब्लिश, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 13 नवंबर 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये सब आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से बना था, ये हमें मिला है, पावर दिया गया था 200 वाट, वोल्टेज दिया गया 220 वोल्ट, तो करंट क्या होगा, सिंपल ये फॉर्मूला आपको लगा देना, ये न्यूमेरिकल भी हमने करवाया था आपको, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है, बुकलेट में दिया गया, तो बुकलेट जरूर लेना क्योंकि बुकलेट में अच्छे से सारे क्वेश्चन को इस तरह हमने बनाया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, अलग अलग अगर हम देखें तो जेई में कुछ पूछे गए थे, कुछ जो है ग्रुप डी के प्रीवियस एग्जाम में, कुछ एलपी टेक्नीशियन पूछे गए थे, तो उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी तरह के जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आपको लेंस से भी जो बन रहे हैं वो भी इसी तरह ही बन रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिंपली आपको लगा लेना है, करंट आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। लीस्ट डेविएटेड कलर इन प्रिज्म, तो रेड जो है लीस्ट डेविएटेड है, मोस्ट डेविएटेड जो है ये वायलेट होता है, ये क्वेश्चन भी हमने कवर अप किया है। डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन ब्लड, तो इंसुलिन के बेसिकली डेफिशिएंसी से होता है ये, या फिर मेल फंक्शनिंग ऑफ जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन सा ग्लैंड ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी बनाया, तो पैनक्रिया अगर मेल फंक्शन करे तो इसमें जो है इंसुलिन अच्छा से सिक्रेट नहीं होता, जिसके वजह से डायबिटीज हो सकता है। इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, ये थोड़ा सा इनडेप्थ क्वेश्चन है, तो ये जो है बीटा सेल से जो है ये सिक्रेट होता है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रिया। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 वुमेन सिंगल में विनर कौन रही, ये पूछा गया था, तो ये पीवी सिंधु रही इस बार, तो ये क्वेश्चन बना था करंट अफेयर से। विच फॉरेस्ट इज इन गुजरात, तो कौन सा फॉरेस्ट जो है गुजरात में प्रेजेंट है, तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये आपको पता ही है, कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सभी स्कोर करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वेर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, तो ये जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ये इंक्लूड किया गया था, बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, ये भी फेज वन में पूछा गया था और हमने भी अपने बुकलेट में इस क्वेश्चन को कवर अप किया है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज वैलिड अप टू, तो ये जो है क्वेश्चन ऑलरेडी काफी बार रिपीट हुआ है रेलवे में, अगर देखें 2018 से काफी बार, कम से कम 5-6 बार ये अलग अलग एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ये जो है कैल्शियम तक वैलिड है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स टोटल नॉमिनेट किए जाते हैं, ये है 12। हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन, ये पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली ये तीन जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ये प्रेजेंट होता है। अगर हम स्ट्रक्चर भी देखें तो इसी तरह जो है इसका जो है ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं, अगर हम देखें तो ये 3 डबल बॉन्ड्स इसमें होते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया इन विच स्टेट, तो कौन से स्टेट में है, इसे जो है राजस्थान कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये राजस्थान में प्रेजेंट है। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, तो सलाइवा में जो है ये कौन सा एंजाइम बेसिकली प्रेजेंट होता है, तो एमाइलेज प्रेजेंट होता है, और एक जो है एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पिटाइलिन। पिटाइलिन याद रखना, पिटाइलिन जो है ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है। विच रिवर इज कॉल्ड सौरभ बिहार, तो सौरभ बिहार जो है ये कौन से रिवर को कहा जाता है, तो कोसी जो है इसे सौरभ बिहार कहा जाता है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन है जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सौरभ बंगाल जो है ये कौन से रिवर को कहा जाता है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पंचायत, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट बेसिकली पंचायती राज के बारे में बताता है, तो ये जो है पार्ट 9 जो है ये डिस्क्राइब करता है अबाउट पंचायती राज, या फिर पंचायत हम कह सकते हैं। विच गैस इज स्टोर्ड इन फायर एस्टिंग्विशर, तो फायर एस्टिंग्विशर में कौन सा गैस बेसिकली स्टोर्ड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर रहता है, लेकिन ये लिक्विड फेज में रहता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये बेसिकली एक रिएक्शन दिया गया था, अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, तो जिंक सल्फेट और यहाँ पे कॉपर जो है ये फॉर्म होगा, तो
तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इस तरह के रिएक्शन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, इनमें से कौन सा रिएक्शन है ये भी पूछा जा रहा है, रिएक्शन दे दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये सारे आपको अच्छे से देख के जाना है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो करेंटली कौन है, तो जो वाइस बेसिकली प्रेसिडेंट रहते हैं ये चेयरमैन बनते हैं, करेंटली अगर हम देखें तो जगदीप धनखड़ ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। बिहू इज सेलिब्रेटेड इन हुई स्टेट, आसान सा क्वेश्चन, आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। हुई स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर, तो बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए थे, उनमें से एक स्टेटमेंट ये भी था, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ये जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे जो है काम करता है, प्रीवियसली भी बताया गया है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दोनों आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल देखने मिलेगा एग्जाम में। क्लोरीन हैज ए वैलेंसी, अब तो क्लोरीन का वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी क्लोरीन का जो है ये 1 है। दी बारी दुआब इज लोकेटेड बिटवीन, तो बारी दुआब जो है कौन से दो नदी के बीच में है, तो ये बीज और सतलुज के बीच में प्रेजेंट है। कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के प्रेजेंटली कोच कौन है, तो ये रमेश पावर है। हुई सुपर कंप्यूटर इज रिसेंटली इंस्टॉल्ड इन IIT रुड़की, तो ये है परम गंगा, ये भी हमने कवर अप किया है करंट अफेयर में। करंट अफेयर के बारे में आपको बताएंगे, करंट अफेयर अगर आपको कम से कम टाइम में प्रिपेयर करना है तो क्या करना है, वो भी आगे चल के हम आपको बताएंगे। मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन जो है, ओजोन लेयर डिप्लीशन अगर हम देखें तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFCs जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पूछा गया था कौन सा लैंग्वेज जो है ये बेसिकली नॉट इंक्लूडेड है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, विच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड, तो टोटल जो है 22 लैंग्वेज है, इनमें से ऑप्शन नहीं पता था इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है 22 लैंग्वेज है, बिल्कुल इनमें आपको देख के जाना है, तो कौन सा लैंग्वेज जो है ये इंक्लूड नहीं किया गया है, ये बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये बेंगलुरु के जैन यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से बना है। वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम पूछा गया था, तो इसका वैलेंसी जो है ये 3 होता है, इसका जो अगर हम एटॉमिक मास देखें तो ये होता है 13, ठीक है, तो अगर हम वैलेंसी देखें एल्युमिनियम का ये क्या होता है, ये होता है 3, ऑब्वियसली 13 है तो आप कर सकते हैं 2, 8 और बाकी रह गया 3, तो आउटर मोस्ट सेल में 3 है, तो वैलेंसी जो है ये 3 होगा। हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स इंडिया वन इन ओलंपिक 2021, तो टोक्यो ओलंपिक्स में कितने सिल्वर मेडल इंडिया ने जीता है, तो टोटल 2 जो है यहाँ पे सिल्वर मेडल इंडिया ने जीता है, टोटल 7 मेडल हमारा था, ठीक है, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, बाकी 4 जो है ये ब्रोंज थे। डिटेल में देख के जाना कि किस किस खिलाड़ी ने जो है कौन कौन सा मेडल जीता है, आगे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्वियसली 1 गोल्ड जो है ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है, 2 सिल्वर में अगर हम देखें तो रवि दहिया ने एक जीता है सिल्वर मेडल, और इसके अलावा जो है एक मीराबाई चानू, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में एक सिल्वर जीता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बाकी 4 जो ब्रोंज मेडल है ये किन किन को मिला है ये आपको देखना है, एक जो इंडियन मेंस हॉकी टीम को भी एक जो है ब्रोंज मेडल मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन प्रिडिक्टेबल वैलेंसी, तो वैलेंसी सेम रहता है, ये ऑलवेज हमने जो है कवर अप किया है, जब भी हमने पढ़ा है हमारे बुकलेट्स में भी इसे कवर अप किया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आर, तो ऑलवेज जो है ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जो है ये होता है, ये भी क्वेश्चन हमने कवर अप किया अपने बुकलेट में। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2020 से करंट अफेयर पूछा गया, तो जैन बोलसोनारो जो है इनको चीफ गेस्ट बनाया गया था। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश ऑन, तो किनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था ये शायद पूछा गया था, तो ये बंगाल मेडिकल कॉलेज जो है ये शायद, या फिर कैलकाटा मेडिकल कॉलेज ऐसा कुछ इसका नाम है, एक बार जरूर देख लेना, तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था, 1835 में किया गया था। इन 2004 विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर क्लासिकल स्टेटस, तो क्लासिकल स्टेटस जो है कौन से लैंग्वेज को बेसिकली दिया गया था 2004 में, तो तमिल को दिया गया था। टोटल कितने क्लासिकल लैंग्वेज है ये फेज वन पूछा गया था, सबको हमने मेंशन भी किया है कौन कौन सा ईयर में किसे डिक्लेयर किया गया था, ये सब बिल्कुल आपको देख के जाना है। मोस्ट रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन IPL, तो पूरे IPL हिस्ट्री में जो है अभी तक 15 एडिशन हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो है विराट कोहली के द्वारा सबसे ज़्यादा रन जो है स्कोर किया गया है, ये है 6411। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं। विच गैस इज इवॉल्व बाय इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बेसिकली इवॉल्व होता है इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल से, ये जो है ये होता है। HCl एक्टिवेट्स विच एंजाइम्स, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे स्टोमक के जो है पेरेंटियल सेल से जो है ये आप फिर कह सकते हैं ऑक्सेंटिक सेल से ये रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो है पेप्सिन को जो है ये एक्टिवेट करता है। हेडक्वार्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक पूछा गया था, ये मुंबई में प्रेजेंट है। 15th एडिशन ऑफ IPL वाज प्लेड इन विच ईयर, तो 2022 में जो है इसे खेला गया था, 15th एडिशन था। पी एस रिजेस इज फ्रॉम विच स्पोर्ट्स, तो ये मेन्स हॉकी टीम के जो है गोलकीपर हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने भी अपने बुकलेट में कवरअप किया, तो लॉर्ड रिपन जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। थोड़ा सा क्वेश्चन आसान है, ठीक है, क्योंकि लोगों को जो है जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम देने जाते हैं तो इनको जो है थोड़ा आसान क्वेश्चन याद रहता है, इसी वजह से थोड़ा आसान यहाँ पे लग सकता है, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस तरह क्वेश्चन जो आसान भी लग रहे हैं ये थोड़ा सा जो है ट्विस्ट करके भी कभी कभी पूछा जाता है। 1928 में जो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो यहाँ पे बेसिकली जो सत्याग्रह किया गया था, बेसिकली जो यहाँ पे टैक्स इंक्रीज कर दिया गया था जो लैंड ओनर्स थे, तो ये कौन सा था ये पूछा गया, तो ये बरदोली सत्याग्रह था। वन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन बना था, शायद यहाँ पे ये रिएक्शन भी दिया गया हो, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिकली यहाँ पे फॉर्म होता है, अगर इसको बर्न करते हैं तो ये डार्जिलिंग जो है लाइट प्रोड्यूस करके जो है ये बर्न होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होता है। केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो ये केमिकल फार्मूला है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। वन हॉर्न राइनो जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया में आसाम में पाए जाते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम्स होता है, आसान सा क्वेश्चन। आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एबोलिश द कन्फर्निंग एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टाइटल्स, तो टाइटल्स को जो है एबोलिशमेंट के बारे में यहाँ पे जो है बताया गया है आर्टिकल 18 में, ठीक है। अब हम ये करंट अफेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए करंट अफेयर अगर आपको कम से कम टाइम में प्रिपेयर करना है तो करंट अफेयर 2020 से भी पूछा जा रहा है, 2021 से पूछा जा रहा है, और 2022 का भी पूछा जा रहा है, लास्ट सिक्स मंथ का, ठीक है। तो इन सब को इंक्लूड करके एक बुकलेट बना दिया है, 159 में अवेलेबल है, एक बार आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये 2020 का है, आप चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं, 2020 का एक साल का इस तरह डिजाइन किया गया है। जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट जितने किए गए हैं, इंडेक्स यानी कि रैंकिंग, सबको अलग अलग सेक्शन बना दिया गया ताकि आपको याद रखने में आसान हो, साथ में इन सबको भी इंक्लूड कर दिया गया अपेंडिक्स में ताकि ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रहे, ठीक है। इसी तरह 2021 का भी अरेंज कर दिया गया है जो कि 85 रुपीज में अवेलेबल है पूरा होल ईयर का, तो इसे भी इस तरह अरेंज किया गया है, साथ में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। 2021 में हमने कुछ इंक्लूड और किया था, जैसे डिफेंस करंट अफेयर इंक्लूड किया था, ये सारे जो है हमने इंक्लूड किया था ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके अलावा जो है लास्ट सिक्स मंथ का जो अगर हम 2022 का देखें, इसका भी बुकलेट बना दिया गया है, 50 रुपीज में अवेलेबल है, और ये जो है इस तरह हमने इसे अरेंज किया है, सबका अलग अलग सेक्शन बना दिया गया है। देखिए कम से कम टाइम में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप बिल्कुल 159 रुपीज का ये बुकलेट ले सकते हैं। इसका लेने का प्रोसेस सेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम फोन नंबर ईमेल आईडी भरना है, जैसे आप पेमेंट कर देते हैं अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं 2020 से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। 50 रुपीज का अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, 2021 का जो है ये जरूर आपको लेना है, 85 रुपीज में अवेलेबल है, अलग अलग भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहाँ पे ये सारी चीज़ आपको मिलेंगे। 2022 का भी अलग से ले सकते हैं, ये 50 रुपीज में अवेलेबल है लास्ट सिक्स मंथ का, ठीक है। इस तरह से अरेंज किया गया है, तो अच्छे से जो है करंट अफेयर को कम से कम टाइम में भी प्रिपेयर करने के लिए हमने आपके लिए बुकलेट बना दिया गया है ताकि आप अच्छे से जो है इसे प्रिपेयर कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे फेज वन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फेज टू का हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, जो कि पूछे गए थे, जो भी क्वेश्चंस हमें मिले थे सबको हमने डिस्कस करने की कोशिश किया। अब फेज वन का क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। कैपिटल ऑफ कंबोडिया पूछा गया था, तो ये जो है फ्नॉम पेन जो है इसका जो है ये कैपिटल है। अयोध्या जो है कौन से नदी के किनारे में बसा हुआ है, तो ये सरयू नदी के किनारे में बसा हुआ है, ये पूछा गया था। व्हिच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर, गुजरात का जो है कोस्टल बॉर्डर सबसे बड़ा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबरीमाला टेम्पल जो है ये कौन से स्टेट में है, केरला में प्रेजेंट है, ये रिसेंटली एनटीपीसी के एग्जाम पूछा गया था, फिर ये ग्रुप डी में पूछा गया है। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो है कहाँ पे करवाए गए थे, तो ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। फर्स्ट एशियन गेम याद रखना दिल्ली में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेल वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो ये जो है 1973 में एस्टेब्लिश किया गया था। जो इंपॉर्टेंट इसी तरह के स्टील जो बेसिकली फैक्ट्रीज हैं, जैसे वेल के बारे में पूछा गया, सेल के बारे में पूछा गया, आगे चल के और भी जो है इसी तरह के जो जितने भी जैसे वाइजेक स्टील, इस सब के बारे में पूछा जा सकता है, कब एस्टेब्लिश किया गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, ये सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ न्यूलैंड प्रिडिक्टेबल, ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन एंड थोरियम जो है, हाइड्रोजन फर्स्ट है, थोरियम लास्ट है, और टोटल जो है उस समय 56 एलिमेंट जो है ये नोन एलिमेंट थे। तो ये क्वेश्चन को भी हमने कवरअप किया है अपने बुकलेट में। जीना इन जैनिज्म मीन्स, तो इसका मतलब होता है कॉन्करर, ये क्वेश्चन भी बना था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है से रीनेम किया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, कौन से ईयर में, ये पूछा गया था 2021 में। करंट अफेयर सवाल है, न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया करंटली कौन है, तो प्रदीप कुमार महंती ये है। नवरोज फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है कौन से रिलीजन के द्वारा, ये जो है पार्शियंस और जोरास्ट्रियनिज्म जो है ये बेसिकली जो रिलीजन है ये इसे सेलिब्रेट करते हैं। टू डायल्यूट एसिड व्हाट वी डू, तो हम क्या करते हैं, वाटर में जो है हम एसिड जो है ये मिलाते हैं, हम एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं, बेसिकली सेफ प्रैक्टिस जो है ये हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड मिलाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन नहीं पता था लेकिन स्केलर वेक्टर क्वांटिटी देख के जाना, डेफिनेशन बिल्कुल देख के जाना। और एक क्वेश्चन भी आपके लिए है, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
नोकरेक नेशनल पार्क जो है कौन सा स्टेट में है, ये मेघालय में प्रेजेंट है। 11 स्केड्यूल, जितने भी स्केड्यूल्स हैं ना, टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं और सारे स्केड्यूल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हमने अपने बुकलेट में भी बहुत सारे स्केड्यूल कवर अप किए हैं, क्वेश्चन जो यूनिक क्वेश्चन हैं उनको कवर अप किए हैं, इनको बिल्कुल आपको देख के जाना है। तो 11 स्केड्यूल के बारे में पूछा गया है, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत के बारे में इसमें दिया गया है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है क्या है, तो ये किलोवाट आवर जो है, ये क्वेश्चन भी हमने कवर अप किया है, यहाँ भी पूछा गया है और बहुत बार रेलवे में भी पहले पूछा जा चुका है। फुल फॉर्म ऑफ एड्स पूछा गया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है इसका फुल फॉर्म है। गैस एक्सचेंज इन प्लांट थ्रू द स्ट्रक्चर, तो इसे स्टोमेटा कहा जाता है, ये भी जो है यूनिक क्वेश्चन है, लेकिन जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था, इतना आसान से ये क्वेश्चन नहीं बना था, फिर भी आप बिल्कुल, अगर आपके पास थोड़ा सा पेशेंस है ना, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उसका सही आंसर बिल्कुल आप दे सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। विच एलिमेंट इज यूज इन फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड इस तरह के चीज़ों को जो है यूज किया जाता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला पूछा गया था, सिंपल है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक क्या है, ये पूछा गया था, करंट अफेयर्स सवाल है, 131st इसका रैंक था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये किताब जो है दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखा गया है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट, तो ये जो है केरला पुलिस के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था केरला में फॉर वुमेन सेफ्टी। फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज जो है ये कौन थे, तो ये राजा राममोहन रॉय थे। 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, तो ये पंचायत राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, फेज वन और फेज टू दोनों में, ठीक है, तो ध्यान रखना। विच गॉड इज वर्शिप्ड ऑन पोंगल, तो सूर्य भगवान जो है इनका पूजा किया जाता है पोंगल में। इन इंडिया द मैनग्रोव फॉरेस्ट मेनली फाउंड इन, तो ये सुंदरबन में पाए जाते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी हमने कवर अप किया है, ये क्वेश्चन इसी तरह का डायरेक्टली पूछा गया था, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 746 वाट होता है। हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया, देखिए फेज वन में पूछा गया था, फेज टू में भी ये पूछा गया था, तो टोटल 6 है। कौन सी ईयर में किसे डिक्लेयर किया गया, ये भी मेंशनड है, नोट डाउन कर लें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है किससे रिलेटेड है, ये जीएसटी से रिलेटेड है, गुड एंड सर्विस टैक्स। फर्स्ट फॉरेनर टू बी अवार्डेड भारत रत्न, तो ये जो है अब्दुल गाफर खान जो है पाकिस्तान से थे, इनको जो है 1987 में भारत रत्न दिया गया था। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, ये है आर्टिकल 370, जिसे रिसेंटली हटा दिया गया है। ऐसा यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, तो ये जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। व्हिच गैस विल इवॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है। 75 एडिशन जो है संतोष ट्रॉफी का किसके द्वारा जीता गया, ये फुटबॉल का रिलेटेड है, तो केरला के द्वारा जीता गया है। कुछ इंडियन स्टेट डज नॉट हैव पंचायती राज सिस्टम, तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज में देखें तो दिल्ली में प्रेजेंट नहीं है। नेम द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, ये पूछा गया था, तो प्रोपानोन या फिर इसे एसीटोन के नाम से जाना जाता है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था, पूरा क्वेश्चन नहीं मिला इसलिए कवर अप नहीं किया गया है। विच द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पूछा गया था, तो श्रीमती सोनाली सिंह जो है करेंटली ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। बंधन बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर, तो ये 2001 में कोलकाता में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। लेंथ ऑफ फोकल लेंस इज 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पावर पूछा गया। देखिए इसी तरह क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था, यहाँ पे जो है फोकल लेंथ दिया गया है, तो यहाँ पे पावर आपको निकालना है, 1/ फोकल लेंथ होता है, तो ये जो है इसे हम मीटर में जो है बेसिकली हम निकालते हैं, ठीक है, तो 1/ यहाँ पे हमें क्या करना है, 50/100 कर देना है, ठीक है, तो 100 ऊपर चल जाएगा, 50 से काटने से ये 2 डायोप्टर हो जाएगा, तो आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन जो है फेज टू में पूछा गया है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है लेंस के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, उनका डिटेल जो है क्वेश्चन नहीं मिला है, इसी वजह से हमने कवर अप नहीं किया। लेंस के रिलेटेड अच्छा से न्यूमेरिकल प्रिपेयर जरूर करके जाना, ठीक है, बाकी सारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने ऑलरेडी आपको जो है अपने वीडियो में भी कराया गया है, अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल्स का भी रिसेंटली एक वीडियो हमने अपलोड किया है। इसके अलावा जो है हमारा जो बुकलेट है उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप किया है। छोटा नागपुर प्लेटू कवर व्हिच स्टेट, तो ये छत्तीसगढ़ और झारखंड को कवर करता है। वोल्टेज दिया गया है, करंट दिया गया है, रेजिस्टेंस निकालना है, ओम्स लॉ से आराम से आप निकाल सकते हैं। हुज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑल्सो मार्क्ड एज पराक्रम दिवस, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ एनिवर्सरी है इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी जो है किसका स्टडी है, लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन और लैंडफॉर्म का जो है स्टडी को जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। क्लीन वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंपल ऑफ वाटर बाय, तो ये फिल्ट्रेशन के थ्रू किया जा सकता है। विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर, तो मेटलॉइड्स को यूज किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे मेटलॉइड्स जो है ये सेमी मेटल्स होते हैं बेसिकली, इसी वजह से जो है इसे यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर्स में। एग्जाम्पल है सिलिकॉन एक एग्जाम्पल है, जर्मनियम एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बोरोन एक एग्जाम्पल है। आर्टिकल 51A जो है किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। एलिमेंट कॉमन इन ऑल एसिड, तो हाइड्रोजन, ये भी क्वेश्चन हमने कवर अप किया है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है।
विच गैस हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ये भी क्वेश्चन हमने कवर अप किया अपने बुकलेट में। ये सारे क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बार बार रेलवे पूछा है, सारे बुकलेट्स को जरूर लेना। जितने भी स्टूडेंट आगे जाके फेज में एग्जाम देने वाले हैं ना, बुकलेट्स को जरूर आपको लेना है। करंट अफेयर को आपका चॉइस है, अगर आप करंट अफेयर कम से कम टाइम में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बुकलेट आप ले सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस का जो बुकलेट बनाया है ना हमने, 1000 बेस्ट क्वेश्चन, ये आपको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए ताकि आप फाइनल टच दे सके, अच्छे से रिवीजन कर सके, क्योंकि आपने मेहनत किया है, बेकार नहीं जाना चाहिए। 60 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आपको निकालना जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्रोसेस हमने बता दिया है, लेना जरूर है, मिस मत करना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, तो ये पूछा गया है। ऑब्वियसली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, ये आपको डिटेल में जरूर पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन दिखाई देगा आपको एग्जाम में। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, तो इसे सॉल्यूशन कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन एनसीईआरटी का, सिंपल डेफिनेशन लिया गया है। व्हिच टू क्वांटिटीज हैव सेम एसआई यूनिट, ये भी क्वेश्चन हमने कवर अप किया था। इसी तरह क्वेश्चन डायरेक्टली जो है यहाँ पे पूछा गया है, तो वर्क एंड एनर्जी का जूल होता है, तो ये क्वांटिटी जो है एसआई यूनिट इनका सेम होता है। एम के स्टालिन जो है ये कौन से स्टेट के जो सीएम है, तो सीएम एंड गवर्नर ये रेलवे के एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो ये जो है तमिलनाडु के करंटली ये सीएम है। जलियांवाला बाग मैसेकेयर जो है, इसे अमृतसर मैसेकेयर भी कहा जाता है, तो कब हुआ था ये पूछा गया है, तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज एकम्प्लिश्ड बाय विच प्रोसेस, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से होता है, थ्रू किया जाता है, स्प्लिट हो जाता है इसमें। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन सी इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कवर अप हमने किया है। रिलैक्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग में हमने डिटेल में जो है इसे समझाया भी अपने वीडियो में, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बुकलेट में भी कवर्ड है। नाइट वॉचमैन टर्म इज रिलेटेड टू, तो ये जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन होते हैं इन्हें जो है, खास करके टेस्ट मैच में होता है, इन्हें जो है अपर ऑर्डर में भेजा जाता है ताकि जो है मैच को थोड़ा सा और जो है खींच सके, ठीक है, ताकि विकेट और ना गिरे, इसी वजह से इन्हें नाइट वॉचमैन टर्म दिया गया है, क्योंकि ये लोअर ऑर्डर बैट्समैन होता है, खास करके बॉलर होते हैं। फ्लोरेंस कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम, तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था जेई में, हमने भी कवर अप किया है क्वेश्चन, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया, तो 60 जो है ये कार्बन एटम होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन दोनों को हमने अच्छे से कवर अप किया है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ द पार्टिसिपेटिंग एटम, इसमें जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, और अगर पूरा, अगर यहाँ पे शेयर नहीं होता, पूरा इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है, एक एटम से अलग एटम, तो इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। फिलामेंट ऑफ बल्ब शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो है ये होना चाहिए, ये ऑप्शन था बिल्कुल। इन ग्लास प्रिज्म एंगल ऑफ डिविजन इज इक्वल, एंगल इक्वल टू, तो यहाँ पे ग्लास प्रिज्म जो है एंगल ऑफ डिविजन जो है इज द एंगल इक्वल टू, तो ये इक्वल होता है डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया जाता है, ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। अटल पेंशन स्कीम के रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था, जितने इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है जरूर आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फेज टू में, पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ पे सेटअप किया गया, लखनऊ में जो है सेटअप किया गया है। इंडियाज फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट कौन सा बना था, ये है सिक्किम। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू डोमिनेट ट्रेड्स, ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन डोमिनेट ट्रेड्स के रिलेटेड हमने अपने बुकलेट में भी कवर अप किया है, डिटेल में आप भी जरूर पढ़ के जाना। जनरल फार्मूला एल्किन्स एल्केन और एल्काइंस, इनका जो है जनरल फार्मूला जरूर देख के जाना, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने मिल सकता है। व्हिच द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये एनके सिंह है करंटली। व्हिच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, ये पूछा गया है, तो चिलिका लेक है, ओडिशा में प्रेजेंट है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ये है। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रेडिक्टेबल, ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन प्रेडिक्टेबल से आपको भी पता है कि क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना है। व्हिच द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन दिया गया था, ऑप्शन हमें नहीं पता इसलिए कवर अप नहीं किया, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना है आपको। नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन विच गेम इन टोक्यो ओलंपिक्स, तो ये जो है जैवलिन थ्रो में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टेकन फ्रॉम हाउ मेनी कंट्री, तो 10 टोटल कंट्री से लिया गया है, सबका नाम मेंशन है, ध्यान रखना। इस तरह क्वेश्चन अब थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी यहाँ पे पूछा गया है। इन कोकोनट फ्रूट द हार्ट सेल इज, तो ये बेसिकली एंडोकार्प जो है ये होता है, जो हार्ट सेल होता है ये एंडोकार्प होता है, ये ध्यान रखना है। सॉफ्ट पार्ट जो है से क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विच रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इट इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर कह सकते हैं ऑफ हिमालय। नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट इन प्रेडिक्टेबल, तो कितने नेचुरली ऑकरिंग है, 92 जो है ये नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है। ओल्डेस्ट म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो ये चेन्नई है, एस्टेब्लिश किया गया था 1688 में से एस्टेब्लिश किया गया था। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है ये कैसे रेस्ट करते हैं, अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में
जो है ऑलवेज जो है ये रेस्ट करते हैं, क्योंकि अर्थ जो है ये भी जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ठीक इसके ऑपोजिट जो है ये ऑलवेज फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये रेस्ट करते हैं। कोई भी मैग्नेट को अगर आप ऐसे रख देते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है ये रेस्ट करते हैं। जो द फॉलोइंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, ऑप्शन नहीं पता है, जरूर ध्यान रखना। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शुड बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, तो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 343 में दिया गया है। ऑड वन आउट करना था आपको गिवन एटॉमिक नंबर से, 9, 11, 19, 37 दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 9 यहाँ पे जो है अलग है, वैलेंस यहाँ पे अलग आएगा। इंडिया प्लेड इट्स 1000 ODI मैच विथ हुई टीम, तो 1000 ODI मैच वन डे इंटरनेशनल कंप्लीट हो चुका है इंडिया का, तो 1000 ODI मैच जो है ये इंडिया ने जो है वेस्ट इंडीज के साथ खेला था। हु इज द मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, करेंटली गिरिराज सिंह जो है ये है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। विच एलिमेंट इज एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, ये सब हमने कवरअप किया, तो गैलियम जो है इसे एका एल्यूमिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि उस समय गैलियम जो है डिस्कवर नहीं हुआ था, तो एल्यूमिनियम के नीचे वाला जो एलिमेंट था इसे एका एल्यूमिनियम के नाम से वहाँ पे बेसिकली छोड़ दिया गया था, ये स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया गया था, इसीलिए गैलियम को एका एल्यूमिनियम कहा जाता है। इसी तरह एका बोरोन किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आर्टिकल 53 इज रिलेटेड टू, तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड अपॉन इंडियाज प्रेसिडेंट, इससे जो है रिलेटेड है। इन प्रोपेन मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स आते हैं, तो कार्बन एटम्स 3 है, हाइड्रोजन एटम्स जो है ये 8 होते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स इंडिया बंगाली लैंग्वेज इज डैश स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो 6th जो है मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है बंगाली। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था ये पूछा गया, तो जून 2014 में स्टार्ट हुआ था। थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2022, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर ये थीम था। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ईयर, तो ये जो है 2002 में इंक्लूड किया गया था 86 अमेंडमेंट के तहत। डिवेल्यूशन ऑफ इंडियन करेंसी कितना बार किया गया है, अभी तक 3 बार हुआ है, ईयर्स बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज, तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट जो है ये गवर्नर होते हैं। प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोसफियर थ्रू, तो ये जो है रेस्पिरेशन के थ्रू जो है करते हैं। इजी क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज किया जा सकता है आपको, इसी वजह से इस तरह क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, इसरो कौन सा सेटेलाइट लॉन्च किया था फरवरी 2022 में, तो ये वाला सेटेलाइट का नाम अभी हमने डिस्कस किया था, लॉन्च व्हीकल का नाम याद रखना PSLV C-52। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन जो है किससे बने हुए होते हैं, कॉपर या फिर एल्युमिनियम से बने हुए ये होते हैं। विच इंडियन एथलीट पार्टिसिपेटेड इन 2022 विंटर ओलंपिक्स, तो अरिफ मोहम्मद खान जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 2022 विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये थे KC निगोय, 6th अप्रैल जो है 1952 में इन्हें अपॉइंट किया गया था। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान वॉज डन इन व्हिच ईयर, तो ये जो था 1974 में किया गया था, कोड नेम किया था स्माइलिंग बुद्धा। इसके अलावा और एक टेस्ट किया गया था, सेकंड भी हुआ था, वो कौन से ईयर में हुआ था, कोड नेम किया था, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वुमेन ऑफ द ईयर 2021 वर्ल्ड एथलीट के द्वारा किन्हें दिया गया, तो ये जो है अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया था। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है कब किया गया था, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर अप किया है अपने जो बुकलेट है जनरल अवेयरनेस का, तो जरूर देख के जाना, 1951 में किया गया था। हेडक्वार्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे, ये न्यू दिल्ली में है। फॉर्मूला वाशिंग सोडा पूछा गया था, N2CO3 का फॉर्मूला होता है। राइबोसोम्स आर ऑर्गेनल्स दैट हेल्प इन, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, ये जरूर ध्यान रखना, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको डिटेल में आपको पढ़ना जरूरी है। फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड पूछा गया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसका जो है फुल फॉर्म है। एस्टैब्लिश कब हुआ था, जरूर ध्यान रखना, आगे चल के पूछा जा सकता है। 3.9 ओम रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड है सीरीज में, व्हाट विल द रिजल्ट रेजिस्टेंस, सीरीज में कनेक्टेड है, ऐड कर देना है, तो ये जो है 27 ओम्स होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, कॉमन क्वेश्चन है। 42nd अमेंडमेंट के तहत एक क्वेश्चन बना था, एक्ट के तहत किया हुआ था, इस तरह एक क्वेश्चन बना था, जरूर ध्यान रखना इसे। 42nd 44th अमेंडमेंट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और पंचायती राज ये आपको ध्यान रखना, ये तीन टॉपिक को मिस बिल्कुल मत करना। 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इनर्ट गैस आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप, तो इनर्ट गैस जो है ऑब्वियसली नोवेल गैस को इनर्ट गैस भी कहा जाता है, तो ग्रुप 18 में प्रेजेंट है। मिस यूनिवर्स 2021 जो है किन्हें दिया गया, ये हरनाज कौर संधु को दिया गया जो कि इंडिया से है। तो फेज वन फेज टू के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं सारे सिप से, उनको यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ताकि आगे आने वाले जो भी फेज है इनको आपको इनमें आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ में बुकलेट भी दे दिया गया है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे आप जाके इन्हें ले सकते हैं। वीडियो अभी तक था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।